नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 मीटर और 30 मीटर माप वाले एक आयताकार पार्क के अंदरूनी हिस्से के चारों ओर एक पथ है जिसका एरिया 570 मीटर स्क्वायर है। पथ की चौड़ाई कितनी है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रखी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक आयत है, आयताकार पार्क है, ठीक है, जिसकी लंबाई 37 मीटर और 30 मीटर है। इसके अंदर एक पार्क है, मतलब इस पार्क के अंदर एक पाथ है ये वाला, ठीक है। इसका एरिया दिया गया है 570 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमसे पूछा है पथ की चौड़ाई कितनी है। मैं मान लेता हूँ पथ की जो चौड़ाई है वो क्या है, x है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस पथ के एरिया का, वो किसके इक्वल है, एरिया मान लीजिए 570 जो हमें दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ विड्थ यानी एक्स इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब 570 इक्वल है 2x इंटू लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 37 और 30, तो 37 प्लस 30 किसके इक्वल आ गया, 67 के, माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में दो नंबर है, एक तो ये है 2x, एक है 67 माइनस 2x, और इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, 570, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जो हैं वो 570 को पूरा पूरा काटेंगे। तो मैं ऑप्शन लेता हूँ, मैंने ऑप्शन लिया 10, तो जैसे ही वैल्यू मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो 2x कितना आ गया, 20। तो क्या 20 570 को पूरा पूरा काटता है, तो 570 को 20 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ डेसिमल में आएगा, पूरा पूरा नहीं काटेगा, तो ऑप्शन जो ए है वो तो गलत हो गया। 15 रखता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू मैंने 15 रखी, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 30, तो 57 को मैं 30 से भाग करूँगा, 570 को 30 से, तो यहाँ पे आ गया 19, तो ये पूरा पूरा काटता है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सी में मैं x की वैल्यू 5 रखूँगा तो यहाँ पे आएगा 10, तो 10 तो 570 से को पूरी तरीके से काट रहा है, तो सी भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। डी में देखता हूँ 28, तो 2x की वैल्यू 28 रखूँगा तो 2x की वैल्यू 56, ठीक है ना, तो वो 56 जो है 570 को पूरा नहीं काटता, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, या तो बी है या फिर सी है। तो इस नंबर 2x से तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं दूसरे नंबर से, ठीक है। अब दूसरे नंबर में मैं 15 रख के देखता हूँ, x की वैल्यू 15 रखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा नंबर कितना आएगा, 67 माइनस 30 कितना आ गया, 37। तो क्या 570 37 से पूरा पूरा भाग होता है, वो ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। एक बार सी चेक करके देखता हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो 67 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 57, तो 570 को 57 पूरा पूरा भाग करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है।